Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. My name is Wahiuddin. Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. My name is Faria. आज हम आलू भाजी रेसिपी बनाने वाले हैं. Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे. हम लोग तो आपके ही सपोर्ट से बहुत अच्छे हैं. तो आज हम लोग आलू भाजी बनाने वाले हैं. आलू भाजी चलो बनाएंगे. चलो भैया को तुरई नहीं पसंद ना? हाँ तुरई नहीं पसंद है, मगर हम लोग तुरई भाजी बनाएंगे और आलू भाजी भी बना देंगे. हाँ देख सकते हो आलू भाई. और ऐसे ऐसे तुरई भज्जी भी बना रहे हैं हम लोग. हाँ क्योंकि उन्होंने तुरई नहीं खाते हैं ना, इसलिए उनके सामने मैं तुरई की बात नहीं करी, आलू की भज्जी बोल के छोड़ दी. यस तुरई की भज्जी कैसा बनाते हैं कि आप लोगों को बताने वाले हैं हम लोग. ठीक है फरीहा? हाँ सो चलो बनाते हैं. तो यहाँ पे चने का आटा ले लिया है हमने. छन्नी करके रख लेना है. ये फर्स्ट टाइम छन्नी करके रखी हूँ. तो इसमें डालेंगे नमक थोड़ा सा, और थोड़ा सा हरी मिर्च. हरी मिर्च ये लाल मिर्च मिर्च बिल्कुल आदत हो गई है. थोड़ी सी लाल मिर्च डालना है. थोड़ा नमक थोड़ा डालना है ये, ताकि अच्छा फूल जाता है ये. और इसे अच्छी तरीके से कर लेंगे हम लोग. वाटर डालना है इसमें, थोड़ा सा वाटर डालेंगे और इसे फिर से मिक्स कर लेंगे. ज्यादा पतला नहीं होना है ये. तो देखिए फ्रेंड्स ऐसा मिक्स कर लेना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं रहना और ज़्यादा पतला भी नहीं रहना. तो ढाप के रख देना है. तो ये तुरई ले लिया है मैंने और आलू भी. आलू भी इसको पूरा काट लेंगे. इसका छिलका पहले निकाल लेना है हम लोगों ने इस तरीके से. बहुत फायदे है, बहुत बच्चे खाते नहीं तुरई, तो नए खाने वालों के लिए है ये भाजी. ऐसा तो भी खा लेते हैं हमारे पास पहले अच्छा खाते, मगर वही भी नहीं खाते, इसीलिए ये सब करना पड़ता है. तुरई से कितने फायदे हैं मालूम है आपको? नहीं मालूम है? हाँ गर्मी के समय में काम देता है ये. समर में बहुत अच्छा काम देने वाली है तुरई. और इसका छिलका भी बहुत अच्छा है. इसके छिलके को सुखा के पीस के ऑयल में डाल के लगाए तो बाल भी सफ़ेद नहीं होते. और देखो विटामिन ए है, बी है, सी है, इसमें कैल्शियम है, कॉपर है, इसमें बहुत सारे आइटम्स हैं. हरे पत्ते की भाजी है कि नहीं? हाँ. अंबाड़ी की भाजी. हाँ हाँ चुके की भाजी रहती है, कुल्फे की भाजी रहती है, पूरे आइटम्स उसमें के पूरे इसमें है. तो इतना अच्छा रेसिपी है ये. आपके बच्चे भी नहीं खाए तो आप लोग ऐसा करके खिला सकते हो. इतने सारे फायदे हैं इसमें. अगर रेसिपी नहीं खाए तो कल के खिला दो भजियाँ बना के, बहुत अच्छे रहते हैं. वही एक दिन को तो आलू की भजी चल रही बोलते मालूम है उनको. होमवर्क कर ले रहे हम. तुम कर लिया होमवर्क? हाँ होमवर्क कर लिया तुम? हाँ पहले होमवर्क हो जाना, इसके बाद हम लोग वीडियो शूट करने वाले हैं. नहीं हाँ होमवर्क नहीं है तो वीडियो भी नहीं शूट कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते. स्कूल का होमवर्क नहीं हुआ, स्कूल की पढ़ाई के बाद ही सब कुछ. आदी ना आज गुड गर्ल बोले. अच्छा हाँ अच्छा पढ़ रहे. एक भी गलती नहीं कर सकता, पढ़े बहुत सारा. एक पेज पूरा दे दिए बाजी हम. ऐसा हाँ तो चलो. और अभी भी अच्छा पढ़ रहे तुम, ट्यूशन को भी डेली जा रहे हो. हाँ अब तो स्कूल की छुट्टी है, दशहरा हॉलीडे है, वैसे मैं कभी भी सताई नहीं. भैया देखो अभी भी लिख रहे, तुम आ गए हो गया मेरा बोले.
हाँ तो अपन आलू को भी छीलेंगे। आलू के कटर से इसको काट लिए तो थोड़ा पतले हो जाते हैं, इसलिए अपन चाकू से काट लेंगे, थोड़ा टेस्टी मालूम हो जाता, पतले रहे तो नहीं मालूम होता भजिया इसके, थोड़ा हल्का फ्लेवर अच्छे से मालूम हो जाता है। तो हमारे तरफ जाना है पीसेस, कितने भी चौड़े हैं ना गल जाते हैं, और आलू कैसे इसको अच्छे से वॉश कर लिए हैं। तो इसको अच्छे से वॉश कर लिया है मैंने, और चलो कढ़ाई रख देंगे। हीट होने के लिए रख देंगे, देखेंगे थोड़ा डाल के चेक करेंगे। तो हम फर्स्ट आलू तलेंगे, हल्का सा डालना है, तेल चल जाता है। तुरई के कितने फायदे हैं मालूम है, बोले ना मैं। हाँ कैल्शियम है उसमें, विटामिन ए है, बी है, सी है, बहुत सारे है उसमें। एक प्लेट दो करना टिश्यू पेपर रख के, इसमें से निकाल लेंगे हम एक प्लेट में, अच्छे से तले गए हैं ये आलू भज्जी। बहुत अच्छा फूल गए हैं ये, देखिए गाइस देखो। और ये तुरई लेना है, इसमें ऐसा मिलाना है ये, मिला के सेम आलू के जैसा तल देना है, देखो ऐसा डाल देना है तेल में, थोड़ा हल्दी डालना है नहीं तो तेल हाथ पे आ जाएगा। ऐसा अच्छा तलना है ये, थोड़ा क्रिस्पी हुए तक तलना, अच्छे हो जाएंगे खाने में, थोड़ा टेस्ट लगेगा ये। दाल खाने में भी चख के खा सकते हो, स्नैक्स के जैसा भी खा सकते हो इसको, बहुत अच्छी रेसिपी है। इसमें निकाल लेंगे हम लोग, चलो रेडी हो गए तुरई भज्जी और आलू भज्जी। ये रहा हमारा प्यारा सा किचन, और ये प्यारा सा हॉल,
खाते हैं। ये तो कपड़ों की शॉप है हमारी। छोटा सा प्यारा सा टेडी बेयर, अच्छा क्यूट ही लगता है। सोफे पर पूरा माल भरे हुआ है। हाँ चलो, और प्यारा सा बेडरूम है। क्या कर रहे हो वहदीर? होमवर्क कर रहे हैं। गुड बॉय। चलो हो गया। ये क्या रेसिपी है आप खा के बताना। मिर्ची भाजी नहीं जी, वो तुम खा के देखो क्या है वो। कैसी है? अच्छी है। फर्स्ट टाइम ट्राई। बहुत अच्छी है। अच्छा, मैं तो मिर्ची भी खा जाऊंगा। मिर्ची तो खाते हो मगर तुरई नहीं खाते ना। तो अच्छी दिख रही है। अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो तुम टेस्ट करो जी। अच्छी है, सही बोला। पहली बार बनाई हूँ मैं तुरई भज्जी। देखो आलू टेस्ट करो। आलू टेस्ट करेंगे। थोड़ा अच्छा है। ये तो हमारे लिए आलू है। हाँ वो तो आलू भाजी से अच्छा पैसा ना। तो तुरई खाओ। देखे ना गाइस, तुरई भाजी और क्या, और आलू भाजी। तुरई नहीं खाने वाले, खा लिए है वही हाँ। दिन तो गाइस, हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज फॉलो कर दीजिए। फ्रेंड बच्चे जो भी पूछेंगे नहीं खाने की चीज है तो कैसा भी करके उनको खिलाना है, कैल्शियम वाली चीज। और मैं घर पर कपड़ों की बिजनेस करती हूँ और स्टिचिंग भी करती हूँ और ऑनलाइन जॉब भी करती हूँ और बच्चों को भी संभालती हूँ, हस्बैंड को, बच्चों को। और आप भी ऑनलाइन जॉब करना चाहे तो हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, हमारे हाइलाइट्स को देख ही लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो अच्छा दिखा तो एक लाइक कीजिए। तो चलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।